हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ वीडियो नंबर 4 ऑन गोइंग चैप्टर द फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन क्लास 12 हिस्ट्री. नाउ टुडे वी डिस्कस द प्रॉब्लम विद द सेपरेट इलेक्ट्रोल सिस्टम. नाउ एक पर्सन का नेम है बेटा बी पॉकर बहादुर फ्रॉम मद्रास. ये कहाँ से थे? मद्रास से थे. मेड द स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन ऑन द 27 अगस्त 1947 फॉर इंटरप्रिटिंग सेपरेट इलेक्ट्रोल्स. अब देखिए क्या हुआ, इंडिया में यू नो एक साइड था मुस्लिम लीग और वन साइड था कांग्रेस. तो जो ब्रिटिशर्स थे वो उनका ये यहाँ पे पॉइंट था कि जो मुस्लिम लीग डिमांड द सेपरेट इलेक्ट्रोल सिस्टम, कि हम मुस्लिम हैं और हमारे लिए एक अलग से इलेक्ट्रोल सिस्टम होना चाहिए. इट मीन्स कि हमारा एक अलग से एरिया होगा जहाँ हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा करेंगे, स्टैंड बाई करेंगे और हमारी कम्युनिटी उनको वोट करेगा. ठीक है, तो एक अलग से इलेक्शन सिस्टम वो चाह रहे थे बेटा. ही आर्ग्यूज द रिड्यूसिंग द डिफरेंस बिटवीन द कम्युनिटीज़. अब देखिए पॉकर साहब क्या कह रहे हैं, ही आर्ग्यूज द रिड्यूसिंग द डिफरेंस बिटवीन द कम्युनिटीज़. इट इज़ द इम्पोर्टेंट दैट द माइनॉरिटी विल बी गिव ए वेल वर्स रिप्रेजेंटेशन इन द पॉलिटिकल फ्रेमवर्क एंड देयर वॉइस शुड बी हर्ड. अब ये कह रहे हैं कि अगर आपको जो डिफरेंसेस हैं बिटवीन द कम्युनिटीज़, ठीक है, मुस्लिम एंड हिंदूज के बीच में, अगर आपको इसको कम करना है तो आपको माइनॉरिटीज़ की बात को सुनना होगा, वो जो कह रहे हैं उनको मानना होगा और उनको एक सेपरेट इलेक्ट्रोल सिस्टम देना होगा. ओनली द सेपरेट इलेक्ट्रोल्स फॉर द मुस्लिम वुड द इंश्योर द मीनिंगफुल वॉइस इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. ठीक है, अगर उनको अपना अगर रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा, अपना अलग से इलेक्ट्रोल सिस्टम मिलेगा तो उनका गवर्नेंस बनेगा और वो अपनी बात को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को वहाँ पे रख सकते हैं. अकॉर्डिंग टू हिम द नॉन मुस्लिम कुड नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट ऑफ द मुस्लिम. अब पॉकर साहब के अकॉर्डिंग, बहादुर पॉकर सेज अगेन, कि जो नॉन मुस्लिम है भी, जो नॉन मुस्लिम होंगे वो मुस्लिम्स की सिचुएशन को या उनकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पा रहे हैं. तो उनके लिए ज़रूरी है कि आप उनको अलग से सेपरेट कुछ दें. द डिमांड विच टर्न वन द कम्युनिटी अगेंस्ट द अनादर. वो कह रहे हैं कि एक कम्युनिटी जब दूसरी कम्युनिटी के अगेंस्ट हो जाएगी, डिवाइडिंग द नेशंस, कंट्री डिवाइड होगी, कॉज ब्लडशेड एंड द लेड टू द सैड पार्टीशन ऑफ द कंट्री, और उसके बाद इंडिया का पार्टीशन हुआ. टू द काउंटर ऑफ द डिमांड फॉर द सेपरेट इलेक्ट्रोल्स, गोविंद वल्लभ भाई पंत made the declarations that the resolution would be the harmful not only the nations but the minorities also. The success of a democracy will depend on the confidence which will be the generate among the various sections of the society. अब ये यहाँ कहने कि किसी भी डेमोक्रेसी कंट्री का सक्सेस इस बात पे डिपेंड करता है कि जो वहाँ के लोग रह रहे हैं, जो उसके अंदर रह रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ के, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी कास्ट क्लास, वो अपने आप को कैसे जनरेट करते हैं और उनके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस कैसे रहता है कि हाँ हम यहाँ पे माइनॉरिटीज़ भी हैं फिर भी हम इस कंट्री के अंदर सिक्योर हैं, हमारे को राइट्स दिए जाएंगे. जैसे हम प्रेजेंट सिनेरियो देखते हैं बेटा, इंडिया के अंदर मोस्टली पॉपुलेशन हिंदूज का है बट जो माइनॉरिटीज़ है वो भी यहाँ सेफ अपने आप को फील करते हैं. He said, and also the demand, the separate electorals, it the suicidal demand which would be permanently isolated for the minorities. अब ये कह रहे हैं कि अगर आपने ऐसा किया, एक और इसके साथ नेगेटिव पॉइंट है, तो आप क्या करेंगे कि परमानेंटली आइसोलेट कर देंगे माइनॉरिटीज़ को, जो मेजोरिटी है उससे बिल्कुल अलग थलग कर देंगे, उनको आइसोलेट करके रख देंगे, तो वो कभी भी आपकी मेन सोसाइटी या जो मेन आपका स्ट्रीम है उसके अंदर कभी भी इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे. डैट मीन्स कि कहने का मतलब है कि अगर आप उनको सेपरेट इलेक्ट्रोल सिस्टम दे रहे हैं, अलग से उनको निर्वाचन पद्धति दे रहे हैं, तो आपने उनको अपनी सोसाइटी से, अपनी कंट्री से एक तरह से अलग कर दिया है. ठीक है, देम द विनरेबल एंड द डिप्रेट देम द इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन विद इन द गवर्नमेंट. द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी ग्रांट टू द सिटीजन्स राइट्स एंड द ईच एंड द एवरी सिटीजन्स हैड शोन देयर लॉयल्टी टू द स्टेट्स मेंबर्स ऑफ द ऑल कम्युनिटीज टू बी गिवन इन द इक्वल स्टेटस इन द स्टेट्स. बट द संविधान क्या करता है बेटा, वो सबको इक्वल ट्रीट करेगा, सबको इक्वल जितने भी मेंबर ऑफ द कम्युनिटीज होंगे उनको इक्वली स्टेटस देगा स्टेट के अंदर. 3.2 वी विल नीड मच मोर देन दी रिसोल्यूशंस. एन जी रंगा अनदर सोशलिस्ट लीडर टू द प्रेजेंट मोमेंट जो किसान आंदोलन से प्रेरित थे मेंशंस दैट द रियल माइनॉरिटीज. अब ये क्या कमेंट कर रहे हैं, द रियल माइनॉरिटीज वर द पुअर एंड द ऑप्रेस्ड.
ही ग्रेड टू द लीगल राइट्स विच वर द गारंटीड द कॉन्स्टिट्यूशन टू ईच इंडिविजुअल्स एंड इंडिकेटेड द लिमिटेशंस ऑल्सो। अब ये यहाँ पे बेटा लीगल राइट्स की बात कर रहे हैं कि आप सभी को लीगल राइट्स दी। अकॉर्डिंग टू द रंगा देयर वॉज नो इम्पोर्टेंस टू द लीगल राइट्स फॉर द पुअर्स पीपल्स इन द विलेज एज दे नॉट अवेयर अबाउट द फंडामेंटल राइट्स टू लिव टू हैव फुल एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने कॉन्ट्रावर्सी वाला इशू भी कर दिया, वो राइट्स की बात कर रहे हैं बट वो कह रहे हैं एजुकेटेड और जो सिटीज़ के अर्बन एरियाज़ के लोग हैं आप उनको तो राइट्स दे दो, बट जो विलेजर्स हैं बिकॉज यू नो दे नॉट अवेयर देयर फंडामेंटल राइट्स, उनको नहीं पता है, वो इलिटरेट हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आप उनको राइट्स ना दें, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल्सो द कॉन्ट्रोवर्सी इशूज़। एन जी रंगा मैंशंस ऑल्सो द ट्राइबल अमंग ऑफ द माइनॉरिटीज़। अब जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं उनमें भी जो ट्राइबल एरियाज हैं दे गिफ्टेड द ऑरेटर जयपाल सिंह वॉज देयर रिप्रेजेंटेटिव इन देयर असेंबलीज। ही वॉज नॉट इन द सेपरेट इलेक्ट्रॉल सिस्टम, द रिजर्वेशन ऑफ द स्टेट इन द लेजिस्लेचर्स वॉज नेसेसरी टू द प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन टू द ट्रायल्स इन द लेजिस्लेचर्स। In the legislature, it would be a way for the compelling others to hear the voice of tribals and come near them. So they also the argue. अब बेटा उन्होंने भी अपना point of view रखा. And the 3.3, we aware suppressed the thousand of the years. Dr. Ambedkar had the demanded the separate electorals for the depressed class. है ना, जो दलित लोग थे, जो दमित लोग थे, जो दबे हुए थे, लाइक एसटी हरिजन, इनको लेकर भी, दलितों को लेकर भी बेटा, एसटी एससी को लेकर भी अंबेडकर साहब ने अपनी बात कही। एंड कास्ट बट द गांधी जी वॉज अगेंस्ट, बट महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर के अंदर एक कॉन्स्ट्रोवर्सी थी जिसका मेन इशू था यही पॉइंट, ठीक है, कि वो जो यू नो एससी एसटी या जो डेप्रेस क्लास थे उनकी बात कर रहे थे एंड गांधी जी वो ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की बात कर रहे थे। वो सगेंस एंड इट्स आर्ग्यूज डेट इट दिस वुडली परमानेंटली आइसोलेटेड देम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो रेस्ट ऑफ सोसाइटी से आइसोलेट हो जाएंगे। जे नागप्पा ऑफ द मद्रास सेट, अब ये मद्रास से हैं बेटा जे नागप्पा, ये कह रहे हैं वी हैव रियलाइज्ड कि हम ये महसूस कर रहे हैं अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हाउ टू असिस्ट ओवर सेल्फ्स, कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे पे करें और उसको कैसे असिस्ट करें बेटा। इंडिकेट दैट द डिप्रेस क्लास वर नॉट माइनॉरिटीज न्यूमेरिकल हैज दे आर 20-25% ऑफ द टोटल पॉपुलेशंस, दे वर द माइग्रेनाइज्ड विथ नो सिग्निफिकेंस ऑफ देयर न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, they had no access to the education and no participation in the administrations also. After the partition violence, Ambedkar had not argued for the separate electorals. Untouchabilities was abolished by the constitution assembly. Untouchability ka matlab meaning hota hai beta chua chu, theek hai, you know pehle kya hota tha, caste system tha, theek hai, brahman kshatriya vaishya and the shudras, to jo beta upper caste wale jo bhi person hote the wo lower caste ke kisi bhi person ko touch karna, even unko brahman log hai you know jo shudras the unko dekhna bhi pasand nahi karte the, equality to unke sath bahut dur ki baat thi beta. When our constitution come into the force to article number 17, अवर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 17 में बेटा अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया है। रिजर्वेशन वॉज गारंटीड इन द लेजिस्लेचर्स। अब देखिए बेटा विधानसभाओं में उनको इलेक्शंस रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। आपने देखा होगा लोकसभा में जब भी यू नो होते हैं तो वहाँ पे एसटी एससी इनके लिए रिजर्वेशन फिक्स होता है, तो उस एरियाज में या उस सीट्स में बेटा उन्हीं कास्ट का कैंडिडेट जाएगा। इन द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट आल्सो आपने वहाँ भी रिजर्वेशन देखा होगा फॉर द लोअर कास्ट, हिंदू टेम्पल्स वर ओपन फॉर ऑल द कास्ट, और हिंदू मंदिर बेटा सभी कास्ट के लिए खोल दिए गए। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।